नमस्कार आपण मानू आम चैनल को पुणी थरे गोटे नुआ रेसीपी को स्वागत। पास्ता रो ना उठिले छोटर बड़ समस्त को बहुत पसंद आउ पास्ता ना कहिले आमर तो रेस्टोरेंट कथा ही मन पड़ जाए। आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बने के देखेबी बहुत कम इनग्रीडियंट्स रे आज आम पास्ता बनवा। तो डेरी न करी चलतु आज रेसीपी को स्टार्ट करवा। पास्ता बनवाई मुझे मार्केट रू 250 ग्राम पास्ता देखते नहीं आसी खोलार जो पास्ता मिले मुझे पास्ता ये नहीं गैस फ्लेम को ऑन कर देली आउ एमती गोटे जगह नहीं जादेली गोटे ग्लास पानी गोटे ग्लास फर्स्ट पानी दे देली एबे आउ गोटे ग्लास माने टोटल डेढ़ ग्लास पानी दे सरबा परे अल्प टिके लूनो आउ टिके थिरे तेल देकी कवर कर देबी आउ पानी को पूरा भल भाबरे फुटे नेबी। देखु पानी पूरा भल से फुटला एमती फुटुवा पानी रे पास्ता सब को आम देद देखु पास्ता सब को दे सर पर गोल आउ हाई फ्लेम रे आपको 4-5 मिनिट आम कुक करे पास्ता एपटे कुक है भितर आम मसला रेडी करवा पास्ता। तो फास्ट मसला कड़ई को गैस फ्लेम पर देखते बसई देती 2-3 टेबुल स्पून नहीं जाइए तेल तेल गरम है 3-4 रसुण को छोट छोट कर काटिक नहीं रसुण देदेली रसुण दे सारापर गोटे बड़ सैज्र पिजर कोला केमी बाहर करके देखते ता सहित पिज सेपर कैप्सिकम को काटिक रखी थी तो कैप्सिकम कोई आपको लो टू मीडियम फ्लेम आम गोटे 1.5 मिनिट भाजने पिज और कैप्सिकम कलर आमको ये बिलकुल भी चेज करार ना यहाँ गोटे 1.5 मिनिट कुला मु एटे हाफ गिना पखापाखी स्वीट कॉर्न दे सारापर या भल भाव गोल आ जगह आपण मैंने चाहिए अलग भेजिटेबुल एड करें जमीती कि गाजर एड करें एटा भी बहुत भल रेहतु मो पाखे गाजर अभेलेबुल ना तो मुझे गाजर यूज करनी एवं पास्ता मसला टी एड करदेली पास्ता मसला आड करी एसब को भल भाव गोल अल्प टिके चिली फ्लेक्स पकईदे देखु एवं कु भल भाव गोल लुण पकईदेली लुण पकईकिब को भल भाव गोल सारापर 2-3 मिनिट पर मसला रेडीगला गैस फ्लेम अफ करदे एपटे 3-4 मिनिट भितर पास्ता बढ़े से मोर बॉयल हो जाए पास्ता को छाणी नवा देखु पास्ता को छाणी सारे ये पास्ता मसला रेडीगला पास्ता भी रेडी एवं ह्वैट सस् बनवा। तो ह्वैट सस् बनवाई मुझे कड़े किसी बटर नहीं जाऊँ देखु बटर दे सारापर 4 टेबुल स्पून देदेली मुझे मैदा बटर मोर मेल्ट होगापर 4 टेबुल स्पून पखापाखी हे जी बटर ने मैदा ने मैदा बटर को भल भाव में गोल ना 1.5-2 मिनिट पखापाखी पूरा भल भाव में मैदा और बटर को गोल देखु गोल सारापर एवं अध ग्लास पखापाखी क्षीर एड करुच्ची क्षीर क्वांटिटी 150 ग्राम पखापाखी हे क्षीर दे सारापर आपको कंटिन्यू गोलाउे ना लम्स पड़जी देखते मुझे भल भाव में गोल कि टिके टिके लम्स थिला तो मुझे छोट चामच साहब गोल भल भाव में आपण मैंने ह्विस्कर भी यूज करेंगे ये सब कुछ भल भाव में गोल आपण मैंने देखिपे आ गोटे 1.5 मिनिट भितर यहाँ टी बहला हाक लगला जिते बड़े ये बहला हाक लगे तो पूर्वर जो मसला आम रेड करूँ मसला को अधेरे देदेब देखु मसला दे सारापर एवं एल्प किसी अरिगानो देदेली देखु अरिगानो देदेगी आ अल्प किसी लास्ट चिली फ्लेक्स देखु को भल भाव में गोल आ गोटे 1.5 मिनिट फुट आसापर मझे मुझे अल्प टिके क्षीर एड करदी एवं पास्ता को अधेरे देदेब पास्ता को दे सारापर लास्ट गोटे टेबुल स्पून लास्ट आम एड करदे गोलमरीचर गुंड गोलमरीच गुंड एड कर सारापर देखु पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल आम टेस्टी टेस्टी ह्वैट सस् पास्ता रेडीगला एबे गर्मा गरम पास्ता को आमे प्लेट को सर्व करिबा देखंतु गर्मा गरम पास्ता को प्लेट को सर्व करि दैछि ऊपर किछि चिली फ्लेक्स दे दैछि भल देखा जिबा पई बानी गलाठी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता देखि कि जानि परथबे कित्ते यम्मी बनिछि त मु कहितबा प्रोसेस रे ए व्हाइट सॉस पास्ता को घरे गटे थरा बनांतु आ बनि सारिबा परे आपनकर अनुभव मते वीडियो रे थिबा कमेंट सेक्शन ने जणंतु। धन्यवाद।